हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस रो को ज्वाइन करना चाहते हैं आफ्टर बीएससी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बीएससी के बाद में हम केमिस्ट्री से या फिजिक्स से या फिर मैथ से या फिर कंप्यूटर साइंस से हम इस रो को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, कौन सी पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या सैलरी जो स्पेंड हमें मिलेगा और कब रिक्वायरमेंट निकलती है, कब अप्लाई करें, किस प्रकार की पोस्ट होगी, तो स्टूडेंट आज हम इस पे पूरा डिस्कस करेंगे एकदम बिल्कुल सरल तरीके से, सरल वे में। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर जिसमें आपको उलझा के रख दिया जाता है, बाकी कुछ कुछ समझ में आता नहीं है, सिर्फ उलझा के रख दिया जाता है। तो कैसे प्रिपरेशन करनी है हम सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपके मेन तो चार सब्जेक्ट है, इनमें किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए आप जा सकते हो, बाकी कुछ बायोलॉजी वाले भी जा सकते हैं, उनके लिए पोस्ट जो है बहुत कम होती है। तो स्टूडेंट आप कौन, पहले बात करते हैं हम कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट्स आप साइंटिस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, वो ग्रुप ए हो या बी हो या सी हो। आप स्पेंडेड ट्रेनी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, सीनियर ट्रेनी होता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, साइंटिफिक असिस्टेंट होता है उनके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो साइंटिस्ट असिस्टेंट आपके उसके बारे में जानते होंगे जो साइंटिस्ट के नीचे काम करते हैं, या फिर जो ट्रेनी होते हैं जो ऑपरेट करते हैं बहुत सारे मशीन्स को, रिजल्ट को, डाटा एनालिसिस को, आप डाटा एनालिसिस बन सकते हो, जूनियर डाटा एनालिसिस आप बन सकते हो। तो इन पर जो मेन इसमें ज्यादा साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए पोस्ट निकलती रहती है और जो ट्रेनी होते हैं उनके लिए पोस्ट निकलती रहती है। तो आप फिजिक्स के, फिजिक्स से भी आप अप्लाई कर सकते हो, मैथ के बेस से भी कर सकते हो, आप कंप्यूटर साइंस के बेस पे भी कर सकते हो, केमिस्ट्री के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट से, लेकिन ज्यादा जो पोस्ट होती है वो मैथ्स और फिजिक्स के लिए होती है। तो ये तो आपकी पोस्ट हुआ और आपका जो पेमेंट है, आपका सैलरी कितना मिलेगा स्टूडेंट, आपका सैलरी लगभग 35,000 रुपए के आसपास मिलेगा आपको 2 साल कंप्लीट होने के बाद में। 2 साल तक आपका जो है ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, 2 साल, उसमें भी आपको लगभग, मुझे कंफर्म नहीं है, 20,000 के लगभग मिलता है आपको 2 साल तक। एक साल में थोड़ा कम मिलेगा, दूसरे साल में और ज्यादा मिलेगा, और फिर तीसरे साल से आपके 35,000 रुपए आपका एचआर और भी जो आपका जो बेनिफिट है आपको मिलेंगे 35,000 रुपए से स्टार्ट होंगे। तो ये आपका सैलरी पैकेज होता है स्टूडेंट्स पर मंथली। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर अप्लाई कब करना है, अभी अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, अभी अप्लाई नहीं करना है। देखो पोस्ट एक साथ बहुत सारी पोस्ट नहीं निकलती है इसरो में, चाहे वो एमएस लेवल पे हो या बीएससी लेवल पे हो। तो कब अप्लाई करना है, देखो पोस्ट निकलती रहती है, अभी पोस्ट नहीं निकल रही है, आप चेक कर लेना, आपको हर वीक हर हफ्ते आपको चेक करते रहना है। जो इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको जो है रिक्वायरमेंट मिलती है कैरियर इन इसरो, उस बटन को आपको चेक करते रहना है कि कब कौन सी रिक्वायरमेंट निकलती रही है। अभी कोरोना की सिचुएशन में थोड़ी रिक्वायरमेंट नहीं निकली है, तो कुछ रिक्वायरमेंट निकली है, उनकी भी एग्जाम वगैरह भी पेंडिंग है, तो अभी कुछ टाइम बाद में निकलने स्टार्ट हो जाएगी, तो निकलती रहती है, उसमें आपको चेक करते रहना है। ये अप्लाई करने का तरीका है। ये भी एक सवाल रहता है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसरो को ज्वाइन करने के लिए। तो स्टूडेंट आपको पहले अपनी जो भी किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने के बाद में आपका जो इसरो है वो आपका प्रोविजनल लिस्ट जारी करेगा कि कौन कौन स्टूडेंट एग्जाम में बैठ सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। अगर आप सही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के लिए, तो आप उसके लिए बिल्कुल एलिजिबल पाओगे। और उसके बाद में आपका प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम बेसिक होगा, सबका कॉमन होगा, जो फिजिक्स के लिए अप्लाई करें, जो केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करें, मैथ्स के लिए अप्लाई करें, उनका सबका कॉमन एग्जाम होगा, जिसमें आपका माइंड एक एबिलिटी आपकी चेक की जाएगी। उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, थोड़े से मैथ के होंगे, नॉर्मल मैथ्स होगी, और जीके उसमें होगा, और उसके बेस पे आपका जो है मेन का जो प्री एग्जाम है उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर प्री रिजल्ट, प्री एग्जाम को अगर आप पास कर लेते हो तो उसके बाद में आपको मेन एग्जाम में बैठाया जाएगा, आप मेन एग्जाम में बैठ सकते हो। उसमें आपका जो पेपर होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट, वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, उसमें जीके मैथ्स या माइंड एबिलिटी टेस्ट नहीं होगा, उसमें आपका सब्जेक्ट लेकर आपका टेस्ट होगा। जैसे आप फिजिक्स से हैं तो उसमें आपके बीएससी के फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे, अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चन आएंगे, अगर आप मैथ्स से हैं तो आपके मैथ के क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट अगर आप इस रो को ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले तो आपका उसका प्री प्लान कीजिए, आप प्री एग्जाम को पास करने का सोचिए, उसके बाद में आप मेन एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते रहिए। आप कौन से सब्जेक्ट से आप जाना चाहते हो इस रो में, कौन से सब्जेक्ट के बेस पे आप जाना चाहते हो, उस पर आप अच्छी कमांड बनाइए, क्योंकि वो एक थोड़ा टॉप लेवल का पेपर आता है, इसमें इतना इजी नहीं आता जितना हम सोचते हैं, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो अपना बहुत सारे फ्रेंड ये भी पूछते हैं कि सर कौन सी बुक लें हम, तो आपको बुक का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बुक खरीद सकते हो। और प्री एग्जाम के बाद में आप मेन एग्जाम बैठ सकते हो, और मेन एग्जाम के बाद में आपका होगा स्टूडेंट इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू आपका अच्छा होता है तो आपका सिलेक्शन 100% है, पूरा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसरो में वो पूरा डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पर। वहां पर बहुत सारे ऑफिसर और साइंटिस्ट वहां पर आपका इंटरव्यू लेते हैं, कम से कम 6 से 7 होते हैं, और अलग अलग उनका ऑब्जेक्ट करते हैं वो आपको। तो मेन प्रोसेस यही है आपका इंटरव्यू, तो पहले तो आप प्री प्लान कीजिए, उसके बाद मेन एग्जाम की तैयारी कीजिए, उसके बाद में आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अगर इंटरव्यू आपका अच्छे से हो गया तो आपका सिलेक्शन
100% हो जाएगा। रिफ्ट नगर चैनल में नए तो बोले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड।